दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आप सभी दर्शकों को सिटी वन परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर प्राचीन मानसरोवर मंदिर व मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। हर हर महादेव के जयघोष के बीच भक्तों ने किया जलाभिषेक। मुख्यमंत्री ने दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, निराकरण के दिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश। सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार का किया लोकार्पण, कहा विद्यार्थी तकनीक को खुद पर हावी न होने दें। मुख्यमंत्री ने भरोहिया स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भगवान भोले के शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। मुख्यमंत्री ने महंत अवैधनाथ राजकीय डिग्री कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मोदीपुर रामगढ़ताल व सहारा स्ट्रीट तक बनने वाले रिंग रोड का जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। दो तस्करों के पास से जंगा पुलिस ने मोतीराम चौराहे पर चेकिंग के दौरान लगभग 13 लाख रुपए के अवैध शराब को किया बरामद। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शीतला माता मंदिर से निकाली गई भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़े की धुन पर झूमे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के इस महापावन पर्व पर अंधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर और बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भगवान भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए कतारबद्ध तरीके से लाइनों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करती देखी गई। सुबह से ही भक्त भांग, धतूरा, बेल पत्र, फूल माला, अक्षत, रोली, दूध सहित अन्य सामग्रियों को चढ़ाकर इस महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोले को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और सभी अपने मनवांछित मुरादों को पूरा करना चाहते हैं। मंदिर में हर हर महादेव के जय घोष के साथ शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मंदिरों से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे मन से भगवान भोले की आराधना करने वाले भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। जगह जगह पर पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिव भक्तों ने बताया, मानसरोवर मंदिर प्राचीन मंदिर, मतलब काफी पुराना मंदिर, 200-300 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में जीर्णोद्धार किया गया है और इस मंदिर में जो चार मूर्तियां स्थापित की गई हैं,
राम दरबार और राधा कृष्ण मंदिर और दुर्गा जी और शिव भगवान का मूर्ति स्थापित है, जो कि पुराना था लेकिन इसको नए तरीके से बनाया गया है और बहुत सुंदर बनाया गया है और सुंदर ये चीज़ देखने लायक है। और इसमें जो पोखरा भी है बहुत सुंदर बनाया गया है। और आज भोले शंकर बाबा का दिन है, शिव और भगवान ने आज इनके देवता प्रसन्न होकर बरसात भी बहुत अच्छा किया है। इससे ये लगता है कि भगवान खुद धरती पे आ गए हैं। शिवरात्रि हम लोग आए जल अभिषेक करने, भगवान शिव की पूजा करने और अपनी मनोकामना पूरी करने। क्या क्या प्रसाद में चढ़ाओगे, कैसे पूजा करोगे? बेलपत्र चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाएंगे, अगरबत्ती का पूर जलाएंगे। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ और मुझे लगता है कि अब भोले बाबा के दरबार में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शादी से पहले से आ रही हूँ और काफ़ी जागता मंदिर है, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे यही आशा करते हैं। भारत के आस्था और विश्वास के देश में आज हम भगवान शिव की उपासना करने आए हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान शंकर स्वयं जमीन फाड़ करके बाहर अवतरित हुए हैं, लोगों को दर्शन देते हैं। और भारत देश के महा आस्था के महापर्व पर भगवान शंकर को अपार शक्ति प्राप्त है। मंत्र महामन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भार के त्रिदेवों में सबसे बड़े महादेव जी कहे जाते हैं और इन्हीं को ये इनके वरदान से अगर व्यक्ति के मस्तक पर कुछ बुरा लिखा होता है वो भी मिट जाता है, ऐसी मान्यता है। दूर दूर से आते हैं, जैसे मान लीजिए गोरखनाथ मंदिर में आते हैं तो जब यहाँ के बारे में सुनते हैं लोग तो जरूर लोग यहाँ आते हैं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्या कारण है? कारण ये है, जैसे मान लीजिए महाशिवरात्रि है, प्राचीन मंदिर है और महाराज जी भी कल आए थे और उनके आने के बाद काफ़ी लोगों को अच्छा संदेश मिला है, इसलिए और ज़्यादा भीड़ है। शिवरात्रि कितना फलदायी है आजकल? हाँ, बहुत बढ़िया फलदायी है, बहुत ज़्यादा फलदायी है। आज तो मान लीजिए स्वयं शिव जी माता पार्वती ने कहा है जो जो भगवान को आज अर्चना पूजा करेगा उसको बहुत फल मिलता है। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर प्रवास के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान दूर दराज से आए हुए फरियादियों के समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण का निर्देश दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, DIOS ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, BSA भूपेंद्र नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी गोरखनाथ प्रवीण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरस्वती विद्या मंदिर चिवहटा में नवनिर्मित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। वहीं विद्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री का स्वागत पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर किया गया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीक को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि आजकल बच्चे स्मार्टफोन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने की। इस मौके पर महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार अग्रवाल, सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यक्ष रामदेव तुलस्यान, विद्यालय के प्रधानाचार्य गरिमा उपाध्याय, संस्थापक प्रमुख शिवाजी सिंह, प्रबंधक हरे कृष्ण सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कौन है?
जारी करें इस दीपक की ज्योति से। पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जिस संस्थान के नींव पड़ते हुए बनते हुए और उद्घाटन को हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से किया है, आज वह एक विराट प्रत्यक्ष बनकर के शिक्षा और संस्कार का उत्तम केंद्र बनकर के उभरा है। और शिवरात्रि के पावन पर्व पर मुझे इस संस्थान में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं संपूर्ण संस्थान को सरस्वती विद्या मंदिर परिवार को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। शिवरात्रि भगवान शिव का पावन पर्व है। शिव भारत के एक ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मान्यता हिमालय से लेकर के और सुदूर समुद्र पर्यंत दक्षिण भारत तक आपको देश के हरेक कोने में स्पष्ट दिखाई देगा। कैलाश मानसरोवर हो, कैलाश की चोटियों का दिग्दर्शन हम सब भगवान शिव के रूप में ही करते हैं। भगवान पशुपति नाथ हो या फिर हिमालय में स्थित केदारनाथ का पवित्र ज्योतिर्लिंग, सुदूर दक्षिण में हम जाते हैं तो रामेश्वरम में हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने लंका जाने के लिए जिस सेतु बंध का निर्माण किया था उससे पूर्व उन्होंने भगवान शिव की ही आराधना की थी। और शिव की आराधना के फलस्वरूप रामेश्वरम में एक सेतु का निर्माण करके उस कालखंड की अद्भुत अभियांत्रिकी का परिचय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेना ने दिया था। हम केवल अपने पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर के अगर हम स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, हम गांधी जयंती के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को अपने राष्ट्रीय पर्वों में लेकर के उन्हें धूमधाम से मनाते हैं, तो हमें पर्व और त्योहारों के कार्यक्रम के दिन भले ही बच्चों को न बुला पाए लेकिन उसकी पूर्व संध्या में एक कार्यक्रम करते हुए बच्चों को इसके साथ जोड़ करके एक सामूहिकता का और एक सामुदायिक भाव का भी प्रदर्शन हम सबको करना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के साथ, क्योंकि पर्व और त्योहार
किसी ने घोषित कर दिया इसलिए पर्व और त्योहार हो गया, ऐसा नहीं है। ये पर्व और त्योहार इसलिए बने क्योंकि भारत इतना प्राचीन देश है और इस प्राचीनता के किसी कालखंड की किसी महत्वपूर्ण घटना ने इस देश के अंदर राष्ट्रीय पर्व के रूप में एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में, इस महापर्व के रूप में उस मान्यता को भारतीय जनमानस के मन में इस रूप में गहरा किया कि भले ही ये देश गुलाम रहा हो लेकिन दीपावली की, होली की, विजयादशमी की, नागपंचमी की, रामनवमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की, शिवरात्रि की, रक्षाबंधन की स्मृतियां भारतीय मनीषा के मानस से कभी धूमिल नहीं हुई। भले ही राजनीतिक सत्ताएं आती जाती रही होंगी लेकिन हमारे पर्व हैं क्योंकि इन पर्व और त्योहारों ने भारत की किसी एक कालखंड में किसी महत्वपूर्ण घटना को आगे बढ़ा करके समाज को एक नई दृष्टि दी थी और पर्व और त्योहारों को स्वरूप में हम लोगों ने मनाया। इस वस्त्र प्रतिस्पर्धा हमें बहुत अच्छे ढंग से आगे तैयार कर सकती है, बहुत अच्छी एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी कर सकती है। यहाँ के छात्र छात्राओं को किसी भी राष्ट्रीय या वैश्विक मंच पर जाने के लिए उन्हें एक नई उस प्रतिस्पर्धा का पाठ बना सकती है। हम सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को ऐसे जोड़ना चाहिए कि इस संस्थान के छात्र दूसरे संस्थान में जाकर के देखें, दूसरे संस्थान के छात्र आकर के इस संस्थान में आकर के देखें। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपियरगंज तहसील के भरोहिया स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भगवान भोले की पूजा अर्चना की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी जलाभिषेक कर भगवान भोले का आशीर्वाद लिया और सूबे के मुखिया व गोरक्ष पीठाधीश्वर को अपने पीछ पाकर प्रसन्न दिखे। वहीं परिसर में भी मेले का आयोजन किया गया है जिसका आनंद श्रद्धालु उठा रहे हैं और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। महंत अवैधनाथ राजकीय डिग्री कॉलेज जंगल कौड़ैया का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, वहीं अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह, मंडलायुक्त जयंत नरलिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन फॉर ₹1, ₹2 या ₹3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की, D2H अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मोहद्दीपुर, रामगढ़ताल व सहारा स्टेट तक बनने वाले रिंग रोड का जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तरी गेट तक आएगा ना सारा, उसको जो भी तुम्हारा कितने करोड़ का है, बट इसका अतिरिक्त एयर इसका प्लान बनेगा, वो वहां तक जाके जो हम खड़े हैं कुछ इसमें मौके पर होगा 3-5 करोड़ का अपना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, खत्म हो गया, हम तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट। ये प्रीमियम बताइए कि ये ना ये जो बाई तरफ रामगढ़ लेक पे मैं इसलिए चिंतित हूँ कि आप जब जुलाई अगस्त में एम्स खोल देंगे तो ये कूड़ा घाट वाली रोड भी जैम पैक होगी। और ये क्या ये भी क्या रोड वाला से काम करेगा है, वो जू के पीछे है वो वाला दिख रहा है ना, वो वाइट वाला सा छोटा सा। हाँ, कह रहा है बोलेरो जाएगी, आगे एक गाड़ी जाता है, घूम भी जाएगी, मोटरसाइकिल वाले नौजवान लड़का था। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेश पर अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्राधिकारी रचना मिश्रा के निर्देशन में झंघा थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के टीम ने मोतीराम में मुखबिर की सूचना पर डीसीएम में लदी दिल्ली क्रेजी रोमियो विस्की की 350 पेटी बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अवैध शराब की कीमत लगभग 13 लाख रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों द्वारा अवैध एवं कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जाने के निर्देशों के क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग छंगा पुलिस द्वारा उनकी टीम जो उन्होंने बना रखी थी उनके द्वारा 2 HR नंबर की गाड़ियां, एक DCM एवं एक इंडिगो मिली, जिसकी तलाशी के दौरान उनको 350 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। साथ में दोनों गाड़ियों से जो चालक मिले उनकी गिरफ्तारी की गई। गाड़ियों के मालिकों का नंबर एवं नाम पता तस्दीक करके उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में थाना झंझा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री श्री सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर के तत्वावधान में शिव बारात एवं विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। बाबा भोलेनाथ का प्रातः अभिषेक के बाद शिव बारात की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शिव बारात फूलों से सुसज्जित बग्गी, ढोल नगाड़े, बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान भोलेनाथ की बारात के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे खड़े होकर बारात का आनंद उठाते रहे। शिव बारात शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए शीतला माता मंदिर पर संपन्न हुई। Oh, my God.
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महामंत्री पुरुषोत्तम राजा बाबू व शिव भक्त माधुरी वर्मा ने बताया, 8 साल से सुबह नियंत्रण उठ रही है, भगवान शिव का बरात है, 8वां साल है इसका। क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य ये है कि भगवान शिव का बरात आज उनका दुआ करते हैं हम लोग माता पार्वती के साथ, और उसके बाद उनकी विदाई भी करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, उसकी भी एक शोभा यात्रा निकाली जाती है जो मंदिर से चल करके बसंतपुर जो घंटा कर देते हुए बसंतपुर चौराहे पर जहाँ राम जानकी मंदिर पर समाप्त होती है। और इस पर हम लोगों ने अथक प्रयास के बाद एक बिना दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।